हेलो हेलो हेलो, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एवर ईव के पीरियड पैंटीज के बारे में बात और इसका रिव्यू। जब आपको बहुत ही ज्यादा हेवी पीरियड फ्लो हो रहा होता है और आपको बार बार पैड्स चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है, या फिर आपको पीरियड पैड्स की वजह से, सैनिटरी पैड्स की वजह से रैशेज होने की प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में, या फिर अगर आपने रिसेंटली बेबी डिलीवर किया है तो उसके बाद भी कुछ टाइम तक काफी हेवी फ्लो होता है। इवन डिलीवरी के बाद जो आपके इनिशियल कुछ पीरियड्स रहते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हैवी फ्लो होता है, तो उस टाइम पे ये जो प्रोडक्ट है वो हैवी फ्लो के केस में काफ़ी 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 कंफर्टेबल रहा मेरे लिए। तो स्पेशली इट वाज अ बून, क्योंकि मुझे सैनिटरी पैड्स पसंद नहीं है यूज़ करना, मैं जनरली टैम्पॉन्स या फिर कप्स यूज़ करती हूँ, तो मेरे लिए सैनिटरी पैड पीरियड्स के टाइम पे, स्पेशली डिलीवरी के बाद, आप ऑब्वियसली टैम्पॉन्स एंड कप्स यूज़ नहीं कर सकते, तो पैड यूज़ करना वो सुपर सुपर अनकम्फर्टेबल, और इसीलिए मेरे को ये प्रोडक्ट मिला एंड आई कम्प्लीटली फेल इन लव विथ। क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे कोई पे नहीं कर रहा है ये वीडियो बनाने के लिए, आप जानते हो मैं छोटी मोटी यूट्यूबर हूँ तो मुझे कोई पे करेगा भी नहीं, बट ये सीरियसली मेरे को इतना ज़्यादा पसंद है ये प्रोडक्ट, इसलिए मैं आपको इसकी इतनी तारीफ करके बता रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पैकिंग की, तो अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का पैकिंग होता है इसका, मास्टर पैकिंग, और अगर इसको आप अंदर से खोल के देखेंगे तो इसके अंदर आपको मिलेंगे इस तरह के 10 पैकेट्स, यानी कि आपको इसमें मिलेंगे 10 पैड्स। अगर हम नॉर्मल सैनिटरी पैड्स की बात करें तो उसमें भी डिफरेंट साइजेस होते हैं, उसमें भी एक्स्ट्रा अब्सॉर्बेंट्स होते हैं, ओवरनाइट हैवी फ्लो के लिए भी पैड्स बने हैं। उनकी दो प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो लीकेज हो जाता है इधर उधर से, साइड से, पीछे से, स्पेशली सोते वक्त पीछे से लीकेज होने के या फिर साइड से लीकेज होने के बहुत ही रिस्क रहते हैं। प्लस दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपको बार 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 उनको चेंज करना पड़ता है टाइम टू टाइम। अब बात अगर हम करें एवर ईव की पीरियड पैंटीज की, तो ये इतना कंफर्टेबल है, एक तो आपको ये रैशेज से बचाता है, कंफर्ट इतना ज़्यादा है, आपको नॉर्मल पैंटी की तरह पहनना है, आपको अपनी पैंटी पहनने की जरूरत नहीं, उसकी जगह आप सिंपली इसको पूरा पहन लीजिए, इट्स जस्ट लाइक अ बेबी का जो पैंट स्टाइल डायपर होता है उसकी तरह। एंड सीरियसली ये अच्छी क्वालिटी का, अगर आप बेबी के डायपर से भी इसको कंपेयर करोगे तो जो बेबी सॉफ्ट स्किन होती है ना, उतना सॉफ्ट है ये। बेबीज के लिए जो प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है, जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, उतना ही सॉफ्ट इसको बनाया गया है, दैट मेक्स इट वेरी कंफर्टेबल। अब स्पेशली डिलीवरी के बाद या जब आपको बहुत ही ज़्यादा क्रैम्स के साथ पीरियड्स हो रहे हैं, तब बार बार उठना और इसको चेंज करना, इट बिकम्स अ चैलेंज। सो इस केस में भी ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा प्रूव हो सकता है, क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि पैड्स को हमें 6 to 8 hours में चेंज करना पड़ता है, एंड ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको मैंने कई बार 20-24 hours तक, यानी कि पूरे पूरे दिन तक भी यूज़ किया है। स्पेशली पोस्ट डिलीवरी जो ब्लीडिंग होती है वो काफ़ी हैवी होती है, पर फिर भी ये पूरे दिन इसको होल्ड कर सकता है, इतनी इसकी कैपेसिटी है। ना ये साइड से लीक करता है, ना ये पीछे से लीक करता है, क्योंकि ये 360 degrees से आपको कवर कर लेगा जस्ट लाइक अ पैंटी। तो इट्स वेरी कम्फर्टेबल, इट्स लीक प्रूफ, एंड आप इसको सुपर अब्सॉर्बेंट भी बोल सकते हैं, बहुत अच्छा अब्सॉर्ब करता है। प्लस आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए पहन सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार उठ के ये एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पैड चेंज करना है और अनकंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ इसको रिमूव करना भी बहुत ही ईजी है, आपको सिंपली जैसे बेबी के डायपर्स को हम साइड से टीयर कर देते हैं दोनों साइड से, वैसे करके आपको इसको डिस्पोज कर देना है। तो नॉर्मल पीरियड्स की तरह आपको अपना पूरा पैंटी रिमूव करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, विच अगेन मेक्स इट वेरी कम्फर्टेबल एंड ईजी इन दोज हार्ड डेज। साथ ही साथ अगर प्राइस की बात करें तो नॉर्मल जो सैनिटरी पैड्स है वो आपको फ्रीक्वेंटली चेंज करने पड़ते हैं, और मैंने अभी रिसेंटली, मेरा एक ख़त्म हो गया था और ये सिर्फ ऑनलाइन मिलता है, दुकान में अवेलेबल नहीं था, तो मेरा ऑर्डर घर पर पहुँचने से पहले मुझे एक नॉर्मल सैनिटरी पैड्स खरीदना पड़ा, तो मुझे पता चला कि वो 7 pieces का जो विस्पर का अल्ट्रा नाइट्स का जो हैवी फ्लो वाला पैकेट है वो 90 rupees का आता है। सो अगर मैं उसको चेंज करूँगी 8-8 घंटे में, तो 2 दिन में मेरा 90 rupees का पैक ख़त्म हो जाता है अप्रॉक्स, राइट? अगर उसी के सामने अगर मैं ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, तो ये एक पीस आपको अराउंड 25-20 rupees के बीच में पड़ता है। स्टिल इट इज़ नॉट बैड कम्पेयर टू नॉर्मल पैड्स, क्योंकि इसको आपको ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पूरा दिन चल जाता है। हाइजीन वाइज अगर हम बात करें तो अगेन ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये कॉटन बेस्ड है,
और जो सैनिटरी पैड्स हम जनरली यूज करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है मोस्ट ऑफ द केसेस में वो जेल बेस्ड होते हैं, कॉटन बेस्ड भी होते हैं, विच अगेन कॉजेज अ लॉट ऑफ रैशेज एंड डिस्कम्फर्ट, तो इसलिए जनरली कोई प्रिफर नहीं करता है। बट आप कॉटन बेस्ड पैड्स के लिए जाइए अगर आप सैनिटरी नॉर्मल पैड्स भी यूज कर रहे हैं, जिसका एक काफी इंपॉर्टेंट रीजन है मैं आपको बताना चाहूंगी। मेरी जो गायनेकोलॉजिस्ट है ड्यूरिंग माई डिलीवरी प्रोसेस मेरी काफी सारी उनके साथ विजिट्स हुई और उन्होंने मुझे समझाया कि जो जेल बेस्ड सैनिटरी पैड्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम ये कि वो जो जेल है वो एक तरह का केमिकल होता है एंड ऑब्वियसली हम हमारे इंटीमेट पार्ट्स में इस तरह का किसी भी तरह के केमिकल प्रोडक्ट्स को एक्सपोज करना नहीं चाहेंगे। दो वो मेडिकेटेड होता है, वो स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है, बट स्टिल हम चाहते कि मिनिमम चीज़ों का वहाँ पे एक्सपोजर हो और उसके लिए एक नेचुरल प्रोडक्ट होता है कॉटन, जिसकी अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है और इट मेक्स इट रियली सेफ। सो मेरी एक सिंपल स्ट्रेटजी ये रहती है कि जब भी हैवी फ्लो हो तो उस केस में मैं ये वाले पैड्स यूज करूँ एवरीव के, जब फ्लो थोड़ा सा कम हो जाए तो मैं टैम्पॉन या फिर कप्स यूज करती हूँ, बट ऑब्वियसली डिलीवरी के बाद के टाइम के लिए आप उसको यूज नहीं कर सकते, तो हम नॉर्मल सैनिटरी पैड्स पे शिफ्ट हो जाते हैं विच इज कॉटन बेस्ड। एंड उसके बाद जब काफी लाइट फ्लो हो जाए या फिर काफी लाइट डिस्चार्ज लाइक फ्लो हो जाए तो उस केस में फिर हम शिफ्ट हो जाते हैं पैंटी लाइनर्स पे। हमारी एक दूसरी वीडियो भी रिसेंटली मैंने अपलोड करी है जिसमें पैंटी लाइनर्स की कंपैरिजन एंड रिव्यू है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं इफ यू वांट टू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी एंड आपको जो भी क्वेश्चंस थे इस प्रोडक्ट के बारे में उसका मैं आंसर कर पाई थी। अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखकर मुझे भेज दीजिए, तो आई विल रिप्लाई इन द कमेंट्स और मे बी मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट पॉइंट। थैंक यू सो मच, बाय।